केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट फर्स्ट शिफ्ट इज सेलिब्रेटिंग रीडिंग वीक सो दैट द स्टूडेंट्स कैन डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग विच इज वेरी मच लैकिंग इन द न्यू जनरेशन इन द डिजिटल एज दे हैव लॉस्ट द रीडिंग प्रैक्टिस ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविजन एंड सोशल साइट्स सो नाउ केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट फर्स्ट शिफ्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ लाइब्रेरियन एंड गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल मैडम एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन दे आर रीडिंग टेक्स्ट बुक अगर देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा इट इज सिंपल स्लोगन और हर बच्चे के अंदर अगर पढ़ने की प्रवृत्ति को डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से कहते हैं कि बुक्स आर द विंडोज थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड किताबें वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देख सकते हैं समझ सकते हैं विश्व के विभिन्न हिस्सों में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली क्रांतियों को हम समझ सकते हैं और ये किताबें ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम दुनिया को समझते हैं एक परसेप्शन डेवलप करने का जरिया होती हैं किताबें और किताबें इमेजिनेशन को डेवलप करती हैं और इससे बढ़िया साधन कुछ भी नहीं हो सकता है कि बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी को डेवलप किया जाए और आज जो एकेडमिक्स में बच्चों के डाउनफॉल को हम अगर हम देखें तो इसका मुख्य कारण यही है कि बच्चों के अंदर किताब को पढ़ने की प्रवृत्ति का अभाव होता जा रहा है और आज भी वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं जिनके अंदर रीडिंग हैबिट्स है जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं रेगुलर सेल्फ स्टडी करते हैं और वो अच्छा भी करते हैं तो एक बहुत ही सुंदर प्रयास फर्स्ट शिफ्ट के द्वारा और इस प्रयास को अनवरत लगातार कंटिन्यूअस वो जो है खरगोश और कछुए की जो कहानी है हेयर एंड टर्टवाइज स्टोरी वो आज भी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है कि अगर लगातार प्रयास किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है अगर ये बच्चे इसी तरह लगातार अपने अध्ययन में लगे रहेंगे तो निश्चित इनको सफलता मिलेगी।